नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका शिक्षा समाचार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्री बीएसटीसी 2024 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है और आज से आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। इस बार प्री बीएसटीसी का जो एग्जाम है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU कोटा द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, प्रक्रिया काउंसलिंग प्रक्रिया कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, फीस क्या रहेगी, पात्रता क्या रहेगी, परीक्षा दिनांक वगैरह, सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा यदि आप स्पेशल बीएसटीसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर चैनल पर डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। स्पेशल बीएसटीसी और बीएसटीसी में दोनों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें बीएसटीसी का जो आवेदन है वो ऑनलाइन होगा और एंट्रेंस एग्जाम से आपका सिलेक्शन होगा, है ना, प्री एग्जाम होगा, जबकि स्पेशल बीएसटीसी का आवेदन ऑफलाइन कॉलेज स्तर पर होगा और किसी भी प्रकार का आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बिना एग्जाम आपको कॉलेज अलॉट होगी। ठीक है साथियों, उसका वीडियो मैंने डाल दिया है और इस वीडियो के प्री बीएसटीसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 सामान्य और संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2024 में दिनांक 11 मई 2024 को एक अधिसूचना जारी होती है, जिसमें इन्होंने राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में डीएलएड जो सामान्य संस्कृत जो कि पूर्व में बीएसटीसी कहलाता था में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो 11 मई 2024 से 31 मई 2024 तक चलेंगे। आवेदन कब से, आज से शुरू है और 31 मई 2024 तक आवेदन प्रक्रिया चलने वाली है। परीक्षा की तिथि भी इन्होंने 30 जून 2024 बता दी है। अब पहले क्या था, इसमें नया क्या है, तो मैं ये बता दूं, पिछले सत्र के अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। बड़ी बात यह है कि जो पिछला सत्र था उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया अभी भी चल रही है। सेकंड जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसका रिफंड के अभी परसों ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। इस बार नया क्या है, तो इस बार इन्होंने समय की महत्वपूर्णता को ध्यान रखते हुए एग्जाम डेट तक पहले जारी कर दी है कि 30 जून को आपको एग्जाम होने वाला है। वैसे VMOU अपने जो कोर्सेज है वो 6-6 महीने में आयोजित करवाती थी, जिसे अब लगभग एक साल में एक बार आयोजित करवाने वाली है, क्योंकि इनके पास वर्कलोड ज्यादा है या फिर ये मैनेज नहीं कर पाते हैं, या फिर UGC की गाइडलाइन के अनुसार आप एक वर्ष में एक सत्र में एक ही कोर्स एक बार ही कोर्स करवा सकते हो। जो भी कारण रहे होंगे, बीच में इन्होंने 3 महीने लेट करके आवेदन लिए थे, UGC ने इनकी मान्यता बीच में थोड़ी रद्द कर दी थी क्योंकि इनको नेक ए ग्रेड नहीं प्राप्त हुआ था। जब इन्होंने वापस नेक ए ग्रेड प्राप्त हुआ तो इन्होंने आवेदन शुरू किए थे। अभी PTT के आवेदन पूर्ण हो चुके हैं, PTT की परीक्षा भी VMOU द्वारा आयोजित करवाई जाएगी, उनके आवेदन ले लिए गए और अब BSTC के आवेदन के लिए इन्होंने अधिसूचना डाल दी। अब शैक्षणिक योग्यता यानी पात्रता क्या चाहिए, तो आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष यानी आपको 12th नियमानुसार यदि आप DLED के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जनरल से है तो 50% के साथ, अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST 45%, OBC 45, दिव्यांग 45 और विधवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए 45% आपके 12th में होने जरूरी है। इसके अलावा वांछित न्यूनतम प्राप्त प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। यदि किसी सामान्य एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक परीक्षा में 49.99 या 44.99% अंक है तो वे अभ्यर्थी प्रवेश के लिए, यानी आपका
जो मिनिमम क्राइटेरिया है वहां परसेंटेज होना जरूरी है। जो अभ्यर्थी वर्ष 2024 में उच्च माध्यमिक परीक्षण सम्मिलित हुए हो रहे वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता के सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी जिन्होंने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब इनको एग्जाम होने के बाद मेरिट में यदि आ जाते हैं और काउंसलिंग के समय जब इनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो तब इनके 12th रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, और जनरल है तो 50% और बाकी कैटेगरी है तो 45% अंक होने जरूरी है। आयु की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से अधिक ना हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस एवं महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दे होगी, यानी 5 वर्ष की पुरुषों को और 10 वर्ष की महिलाओं को छूट दे होगी। यानी 1 जुलाई 2024 को आप अधिकतम 28 वर्ष के ना हो, मैक्सिमम आयु मिनिमम इन्होंने कुछ दे नहीं रखा है। आरक्षण, प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। आवेदन की प्रक्रिया paridlraj2024.in इस वेबसाइट का ध्यान रखें। बहुत बार पिछले बार भी फर्जी वेबसाइटों द्वारा आवेदन लिए गए थे जिनमें बहुत विद्यार्थियों के साथ लूटमार हुई थी, तो इस वेबसाइट का ध्यान रखें paridlraj2024.in। ठीक है साथियों, फर्जी वेबसाइट मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, अब .com की वेबसाइट शायद आ गई होगी इसलिए इन्होंने .in रखा है, तो आप वेबसाइट का विशेष ध्यान रखें। सेम फेस जो आपको इस वेबसाइट का फ्रंट पेज मिलेगा वही उस वेबसाइट का फ्रंट पेज मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ .in से ध्यान रखना है कि ये वेबसाइट ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है, अभ्यर्थी राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य निर्धारित ई मित्र से भी फॉर्म भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जो भी फॉर्म भरने की यूपीआई के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें, यदि आप दोनों में से सामान्य या संस्कृत दोनों में से एक का भरते हो तो ₹450 और दोनों का भरते हो तो ₹500 आपको दे करने होंगे। प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में रिफंड नहीं है, अतः नियमों और निर्देशों के अंतर्गत जो व्यक्ति पूर्ण पात्र रखते हैं केवल वे ही आवेदन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर और कोई भी अन्य आपको हेल्पलाइन जरूरत हो तो 07442797349 या फिर 9116828238 पर आप सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यह सामान्य निर्देश है, फोटो, अंगूठा निशान और सिग्नेचर आपको 100 KB से कम रखकर अपलोड करने हैं, जो जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में लिए जाएंगे। इसके अलावा जो सामान्य जानकारी है इन्होंने इसमें दे रखी है, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लेवे एक बार। सारे दिशा निर्देश अपनी पात्रता को देखते हुए आप फॉर्म भरें क्योंकि फीस रिफंड नहीं होगी। अब प्री डीलेड परीक्षा में वैधता प्राप्त सभी विद्यार्थी काउंसलिंग शुल्क ₹3000 जमा कराकर ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकेंगे। यह कब करवानी है, तो जब आप एग्जाम दे दोगे, एग्जाम देने के बाद मेरिट निकलती है, आपके नंबर 100 होंगे तब काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग करवाने के समय आपको ₹3000 भरने हैं और कॉलेज चूज करनी है। जब आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे तब आपको ₹3000 देंगे, फिर आपकी कॉलेज अलॉट होती है तो आपको ₹14000 और जमा करवाने होंगे। यदि आपकी कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो आप सेकेंड राउंड के लिए ट्राई करें, फिर भी नहीं होती है तो समस्त जो काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यह राशि आपको रिफंड हो जाएगी। ठीक है, बाकी समस्त इन्होंने जो नॉर्मल जानकारी है वो दी है। परीक्षा आयोजन प्रक्रिया 30 जून 2024 को रखा जाना प्रस्तावित है, जो फिक्स नहीं है। 7 दिन पहले ये एडमिट कार्ड जारी कर लेंगे। ओमआर बेस्ड पर ऑफलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप। सिलेबस क्या है, तो जो मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 150 नंबर, राजस्थान की सामान्य जानकारी 50 क्वेश्चन 150 नंबर, शिक्षण अभिसमता 50 क्वेश्चन 150 नंबर,
अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत हिंदी में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करनी है और अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन 60 नंबर, इसमें से 30-30 क्वेश्चन 90-90 नंबर के जो आप एक सिलेक्ट करोगे वो आपको देने हैं। ठीक है साथियों, ओमार में चार ही ऑप्शन आएंगे, प्रतियोगी परीक्षा की तरह पांचवा ऑप्शन नहीं है, ए बी सी डी, जिनमें से चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है साथियों, यह इसका सिलेबस है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लें, पुराना वही सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, शिक्षण अधिसमता, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान और मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग, एनालॉजी, रिलेशनशिप, डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस और लॉजिकल थिंकिंग। जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोशल एस्पेक्ट, फोक लाइफ है ना, लोक जीवन और टूरिज्म एस्पेक्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड में वही शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशील, तथा इंग्लिश और हिंदी की वही व्याकरण के जो 20 और 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है साथियों, यह इसका सिलेबस था। एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, पैटर्न क्या है, वो सारी हमने चर्चा कर ली इस वीडियो में। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ।